हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ एक बार फिर आपके सामने अपना अगला लेक्चर देकर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेलों के संयोजन पर बात की थी और उसमें हम लोगों ने सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ा था कि जब सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन किया जाएगा तो हमें कितनी धारा प्राप्त होगी, कैसे धारा प्राप्त होगी और श्रेणी क्रम संयोजन हम कब करेंगे, ये भी हम लोगों ने बात की थी। अब श्रेणी क्रम संयोजन के बाद में नंबर आता है समांतर क्रम संयोजन का। तो आज हम देखेंगे कि सेलों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, किस स्थिति में हमें सेलों का समांतर क्रम संयोजन करना चाहिए और किन स्थितियों में सेलों का समांतर क्रम संयोजन नहीं करना चाहिए। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, समांतर क्रम संयोजन में भी दो बातें हैं या दो तरीके से इसे हम देख सकते हैं। एक तो जब जिन सेलों को हम ले रहे हों उन सेलों का जो विद्युत वाहक बल हो और जो उनका आंतरिक प्रतिरोध हो वो समान हो, और दूसरी एक स्थिति है कि जबकि इनके मतलब आंतरिक प्रतिरोध और ईएमएफ जो हैं वो समान ना हो बल्कि क्या हो, असमान हो। तो पहली स्थिति के बारे में हम अध्ययन करेंगे जबकि सेलों के विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ और उनके आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, समान हो। तो सबसे पहले समांतर क्रम संयोजन होता क्या है, तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने प्रतिरोधों में समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही, जब जो भी सेल दिए जाएँ, जो भी सेल हमारे पास हों, अगर उन सेलों में क्या हो जाए कि उन सेलों के जो एक सिरे हैं वो किसी एक बिंदु से जोड़ दिए जाएं और दूसरे सिरे जो हैं वो किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दिए जाएं, तो सेलों के इस प्रकार का जो ये संयोजन हमें प्राप्त होता है इसे ही हम लोग बोलते हैं सेलों का समांतर क्रम संयोजन। जैसा कि आप देख सकते हैं एक सेल है और इसी प्रकार से यहाँ पे ये आपका दूसरा सेल है और इसके बाद इसी से हम क्या करें, एक कोई तीसरा सेल जोड़ दें इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी सेल आपके जोड़े गए हैं उनके जो प्रथम सिरे हैं वो एक बिंदु से जुड़े हुए हैं और जो द्वितीय सिरे हैं वो एक दूसरे बिंदु से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार का ये जो संयोजन है इस संयोजन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस बिंदु को अगर ए माने तो ए से जुड़े हुए हैं और जो निगेटिव टर्मिनल है वो सब किससे जुड़े हुए हैं, बी से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से ये जो संयोजन होगा इसे हम समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। इसकी परिभाषा आप लिख लीजिएगा कि सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें सेलों के धनात्मक टर्मिनल किसी एक बिंदु से और ऋणात्मक टर्मिनल किसी दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं, तो सेलों के इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इन सेलों का समांतर क्रम संयोजन हमें कब करना चाहिए, तो उसे एक प्रूफ के हिसाब से देखेंगे, प्रूफ के द्वारा देखेंगे और इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी भी हमें क्या करनी होगी, लिख देनी होगी। तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे, देखिए यहाँ पे हमने तो तीन सेल बनाए हैं मगर जब मानेंगे तो हम एन सेल मान लेंगे, तो जिसमें कोई भी संख्या हो वो संख्या हमारी उस फार्मूले में फिट बैठे, तो माना एन सेल जिनके विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ, इनके ईएमएफ ई तथा इनके आंतरिक प्रतिरोध हमने कितना लिया था, आर लिया था, तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है को चित्रानुसार किस क्रम में जोड़ा जाता है, चित्रानुसार समांतर क्रम में जोड़ा
गया है। अब ध्यान दीजिए कि जब इनको जोड़ देंगे, एक चीज ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये समांतर क्रम संयोजन है तो समांतर क्रम संयोजन में हमें हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि इनका जो भी विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा, समान होगा, और समांतर क्रम में सबके सिरों पर समान होगा, और इसका जो कुल EMF होगा वो भी किसके बराबर होगा, E के ही बराबर होगा। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभव समान होता है। इसी कारण से हमारे घरों की वायरिंग किसमें की जाती है, समांतर क्रम में की जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, समांतर क्रम में E क्या होगा, सब पे समान होगा। अब इसे एक परिपथ से अगर ज्वाइन कर दिया तो ये कुंजी K हो गई और ये एक बाह्य प्रतिरोध क्या हो गया, कैपिटल R हो गया। तो अब जरा ध्यान दीजिए, अगर इस प्रकार के हमने N सेल जोड़ रखे हैं तो इन N सेलों का क्या होगा, कुछ अपना आंतरिक प्रतिरोध भी होगा। तो इनका पहले कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें हम धारा का मान क्या करेंगे, धारा कितनी मान लेंगे, मान लेते हैं कि I धारा आपकी यहाँ पे बहेगी। तो अगर धारा इनसे हमें क्या प्राप्त होगी, I धारा प्राप्त होगी। तो धारा I का मान कितना होगा, सबसे पहले ये निकालेंगे। तो अब जरा ध्यान दीजिए कि इसमें जोड़े गए हैं, अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, चूंकि सभी सेल किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका कुल विद्युत वाहक बल का मतलब EMF कितना होगा, भी कैपिटल ई होगा। अब ध्यान दीजिए समांतर क्रम में है तो इनका कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, है ना, कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो एक चीज ध्यान दीजिए, कुल की जगह पहले तुल्य कर लीजिए, है ना, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध यदि कितना ले लें, आर ले लिया जाए या आर डैश ले लिया जाए, आर डैश हो, तब समांतर क्रम में क्या होता है, जो तुल्य प्रतिरोध है तब वो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके होता है। तो जाएगा 1/R' इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, और ये कितने n लिए हैं, इनको n बार जोड़ना। तो ध्यान दीजिए सबका हर समान है, तो हर समान है तो अंश जुड़ेगा, एक 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 जुड़ेगा कितनी बार, n बार। तो एक को जैसे दो बार जोड़िए तो दो आता है, एक को तीन बार जोड़िए तीन आएगा, इसी प्रकार से एक को n बार जोड़ने पर कितना आएगा, n, और अपॉन में क्या आ जाएगा, r। तो r डैश बराबर क्या हो जाएगा, r चला जाएगा ऊपर और n चला जाएगा नीचे। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये तो हो गया हमारा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तो इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, ये ध्यान दीजिए, परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो प्रकार के प्रतिरोध हैं, एक तो ये आंतरिक प्रतिरोध और दूसरा है कैपिटल R, और ये जब टोटल मिला लेंगे तो ये जो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होगा, और ये होंगे आपके किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो ये आपका जुड़ जाएगा R डैश प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल R। R डैश का मान रख दीजिए समीकरण एक से, तो हो जाएगा R अपॉन N प्लस क्या आ जाएगा, कैपिटल R। इसे इक्वेशन नंबर हम क्या कहेंगे, सेकंड। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि इस परिपथ में धारा कितनी होगी, तो यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, अतः परिपथ में धारा, तो परिपथ में धारा I बराबर क्या होता है, ये आपका जो इसका टोटल EMF होगा और बटे में टोटल आपका प्रतिरोध, तो क्या हो जाएगा, कुल EMF और बटे में क्या हो जाएगा, ये आपका कुल प्रतिरोध, कुल
प्रतिरोध। तो यहां से आप ध्यान दीजिए इसे, तो I बराबर क्या हो जाएगा E, और अपॉन में क्या हो जाएगा R बाई N, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका कैपिटल R। तो यहां से देखिए इसे सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा E, और बटे में देखिए यहाँ पे एक का गुणा R में होगा R, N का गुणा R में होगा तो एन आर, और होल अपॉन में कितना आ जाएगा N, तो ये N चला जाएगा ऊपर तो आ जाएगा N इंटू E, और बटे में क्या आ जाएगा R प्लस एन आर। अब यहाँ पे हमारे सामने दो केसेस हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट केस में, चाहे आप केस ही लिख दीजिए, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या किया जाए, यदि R कैपिटल R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो जाए स्मॉल R, तो जब कैपिटल R स्मॉल R की तुलना में बहुत बड़ा होगा तो स्मॉल R को छोड़ देंगे, तो इस स्थिति में I बराबर क्या हो जाएगा एन ई, और बटे में स्मॉल R छोड़ने पर क्या बचेगा एन R, तो N से N जाएगा भैया कैंसिल हो, तो I बराबर आ जाएगा कितना E, और बटे में कितना आ जाएगा R। तो यहां पे जरा ध्यान दीजिए आप, इस स्थिति में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको पता चलता है कि इस स्थिति में जो हमें धारा प्राप्त हो रही है I, टोटल धारा, वो क्या है E बटे R, अर्थात एक सेल से प्राप्त धारा के मान के क्या है बराबर। तो जब इन सबको जोड़ने पर भी हमें एक ही सेल के बराबर की धारा प्राप्त हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि इन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने का कोई भी फायदा नहीं है। तो इससे क्या हमें निष्कर्ष निकलता है, इससे हमें निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा बहुत कम हो, तो ऐसी स्थिति में सेलों को कभी भी हम किस क्रम में, समांतर क्रम में नहीं जोड़ेंगे। इन्हें किस क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में। कल हमने बात की थी कि, और हमने देखा था कि वहां पर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो धारा प्राप्त हो रही थी वो एन सेलों की धाराओं के क्या थी, बराबर थी। तो एक तो बात ये हो गई। अब दूसरी बात कि ठीक बात कि यदि इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है आर की अपेक्षा काफी कम है तो हम इसमें नहीं जोड़ेंगे, तो हम समांतर क्रम में सेलों को जोड़ेंगे कब, तो इसके लिए हम देखते हैं अपना केस सेकंड। तो आइए जरा ध्यान दीजिए, तो देखिए अब हम बात करेंगे केस सेकंड। तो केस सेकंड में क्या होगा, देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ था आई बराबर टोटल प्राप्त हुआ था एन ई अपॉन स्मॉल आर प्लस एन आर। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यदि स्मॉल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो जाए एन आर, है ना, मतलब आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में काफी ज्यादा हो जाए। देखिए अब उल्टा हो गया, पहले हमने क्या डिस्कस किया कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा बहुत कम होगा, तो श्रेणी क्रम संयोजन में जाएंगे। तो समांतर क्रम के लिए अब क्या, अगर स्मॉल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो जाए एन आर कैपिटल आर, तो यहां पे ध्यान दीजिए इसको क्या करेंगे, छोड़ेंगे, अतः एन आर छोड़ने पर, तो एन आर छोड़ने पर हमें आई बराबर क्या प्राप्त होगा, आई बराबर प्राप्त होगा एन ई, और अपॉन में आ जाएगा स्मॉल आर, जिसे हम लिख सकते हैं एन इंटू ई अपॉन आर। अर्थात अब हमें जो धारा प्राप्त होगी, धारा आई, वो एक सेल की धारा के कितने गुने के बराबर होगी, एन गुने के बराबर होगी। तो इसका मतलब, सीधा सा मतलब है कि समांतर क्रम में सेलों का संयोजन हम तभी करेंगे जब आपका क्या हो आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य परिपथ में लगे प्रतिरोध की अपेक्षा क्या हो काफी ज्यादा हो। तो आज ये टॉपिक यहीं पे क्या होता है, खत्म होता है। अभी इस पे हमारी दूसरी बात बची है कि यदि इनके ये जो ई हैं ये ईएमएफ चेंज हो जाए, ये ई1 हो जाए, ई2 हो जाए, ई3 हो जाए, और ये आर1 आर2 आर3 हो जाए, तब इनमें को इनका संयोजन कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे वहां पे, तो इसकी बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।